इमामा अब मुकम्मल तौर पर बच्चों की तरफ मुतवज्जह थी। चाय के घूंट लेते हुए दाएं कंधे पर पड़ी शॉल से अपने जिस्म का वो हिस्सा छुपाए जहां एक नई जिंदगी परवरिश पा रही थी। उनके यहां तीसरे बच्चे की आमद थी। वो फुटबॉल के पीछे भागते बच्चों को देखते हुए वक्तन फवक्तन हंस रही थी और फिर उन्हें हिदायत देने लगती। सिटिंग एरिया की खिड़की के सामने खड़े बाहर देखते हुए वो जैसे एक फिल्म देख रहा था, एक मुकम्मल फिल्म। उसके हाथ में पकड़ी चाय ठंडी हो चुकी थी। एक गहरा सांस लेकर उसने मग पास पड़ी टेबल पर रख दिया था। इमामा का अंदाज़ा ठीक था कि वो ठीक नहीं था। वो खिड़की के शीशे से बाहर लॉन में नज़र आने वाली खुशहाल फैमिली को देख रहा था। आइडियल परफेक्ट लाइफ का एक मंज़र, उसके बच्चों के बचपन के कीमती लम्हे। अपने अंदर एक और नन्ना वजूद लिए उसकी बीवी का मुतमईन व मसरूर चेहरा। चंद पेपर्स को फाड़ कर फेंक देने से ये ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत रह सकती थी। वो एक लम्हे के लिए बुरी तरह कमज़ोर पड़ा। औलाद और बीवी वाकई इंसान की आजमाइश होते हैं, उनके लिए जिन्हें माल आजमाने से कासिर रहता है। उन्हें देखते हुए वो भी इसी आजमाइश का शिकार हो रहा था। एक मर्द, एक शौहर, एक बाप के तौर पर लॉन में मौजूद उसकी फैमिली उसकी जिम्मेदारी थी। वह उनसे खून और मोहब्बत के रिश्तों से बंधा हुआ था। एक लम्हे के लिए उसकी नज़र भटक कर जिब्राइल और इनाया के साथ खेलने वाली 4 और 6 साल की उन दो सियाह फाम लागर बच्चियों पर पड़ गई थी। उसके खूबसूरत गोरे बच्चों के साथ खेलते हुए वो और भी ज़्यादा बदसूरत लग रही थी। हैडी की वो दोनों बेटियाँ अगर उस वक्त मुनासिब लिबास और जूतों में मलबूस थीं तो उसकी वजह हैडी का उनके घर काम करना था, वरना वो गोम्बे के बदहाली के शिकार हज़ारों बच्चों की तरह अपना बचपन किसी आसाइश के बगैर मेहनत मशक्क़त करके गुजार रही होती और उनके वहाँ से चले जाने के बाद उनका मुस्तकबिल फिर किसी बेयकीनी का शिकार हो जाता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस मगरबी नौआबादी के वहाँ आ जाने से पूरा अफ्रीका बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा था। वो इसी मगरबी नौआबादियात के एक नुमाइंदे के तौर पर वहाँ मौजूद था। उसने अपनी 30 साला मुलाजमा को ड्राइव वे पर खड़े अपनी बच्चियों के किसी शॉट पर तालियां बजाते देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉन के एक कोने में कुर्सी पर बैठी उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर खुश हो रही थी। हैडी ने खुद कभी बचपन नहीं देखा था, वो पैदा होने के फौरन बाद बालिग हो गई थी। अफ्रीका के 90% बच्चों की तरह जिन्हें बचपन या बकाया ज़िंदगी में से कोई एक चीज़ ही मिल सकती थी। बचपन बहरहाल उन ऑप्शंस में था जो प्रीमियम की लिस्ट में आते थे, और ऐसा ही एक ऑप्शन अपने बच्चों को देने के लिए हैडी सिंगल पेरेंट के तौर पर जान तोड़ मेहनत कर रही थी। वो उनके साथ इंसानियत के रिश्ते में मुंसलिक था। एक लंबे अरसे के बाद वो पहली बार वहाँ खड़ा अपनी औलाद का उस औरत की औलाद से मुवाजना कर रहा था, अपनी बीवी की ज़िंदगी और उस औरत की ज़िंदगी का मुकाबला कर रहा था। हालांकि वो आज वहाँ उस काम के नहीं खड़ा हुआ था। उसका फ़ोन बजने लगा था। एक गहरा सांस लेकर उसने फ़ोन करने वाली की आईडी देखी। कॉल रिसीव करते हुए उसे अंदाज़ा था उस वक्त दूसरी तरफ वो किससे बात करने वाला था। उसे अपनी फैमिली की ज़िंदगी और इस्तीफे में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना था। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कांगो पिछली कई दहाइयों से दुनिया में सिर्फ 5 चीज़ों की वजह से पहचाना जाता था। पहला, खानाए जंगी, जिसमें अब तक 45 लाख लोग जान गंवा चुके थे। दूसरा, गुर्बत। यूएन के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कांगो यूएन के 128वें ममालिक की फहरिस्त में 127वें नंबर पर था। तीसरा, मादनी वसाइल, जिनके ज़खायर के लिहाज से कांगो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। चौथा, घने जंगलात, जहाँ पर कसरत से बारिशें होती थी। पांचवा, पस्ताए कामत, सियाह फाम लोग। कांगो के उन जंगलात में सदियों से पाए जाने वाली इंसानों की एक ऐसी नस्ल महजब ज़माने के वाहिद गुलाम, जिन्हें ग़ुलाम बनाना कानूनन जायज़ था। और यह पहचान सिर्फ कांगो की नहीं थी, अफ्रीका के हर मुल्क की पहचान कमोबेश ऐसी ही चीज़ें बन चुकी हैं। एक छठी शनाख्त जो उन सब मुल्कों में मुश्तरका है वो मगरबी इस्तेमारियत की नई शक्ल है, वर्ल्ड बैंक, जो उन तमाम मुल्कों में गुर्बत को ख़त्म करने और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की फरहमी के लेबल के नीचे उन तमाम ममालिक में अमरीका और यूरोपीय ममालिक को अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के ज़रिए अफ्रीका के कुदरती और मादनी वसाइल को गन्ने के रस की तरह निचोड़ने का मौका फराहम कर रहा है। कांगो में भी यही हो रहा था और पिछली कई दहाइयों से हो रहा था। 1960 में बेल्जियम की इस्तेमारियत से निजात हासिल करने के बाद कांगो ने 30 साल में कम अज़ कम 20 बार अपना नाम बदला था।
सारी जंग नाम रखने और नाम बदलने के बड़े मकसद के हुसूल तक ही महदूद रही और बड़ी आलमी ताकतों अमरीका और फ्रांस की पुश्त पनाही से खानाए जंगी में तब्दील होती गई। एक ऐसी हौलनाक खानाए जंगी जिसमें कांगो ने अपनी आज़ादी 55 सालों में तकरीबन 45 लाख लोगों की जान गंवाई। 6.5 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में कोई घर और ख़ानदान ऐसा नहीं बचा जो इस खानाए जंगी से मुतासर ना हुआ हो, जिसके किसी फ़र्द ने उस कत्ल गारत में जान ना गंवाई हो, या जिस्म का कोई हिस्सा ना खो बैठा हो, या जिसके ख़ानदान की औरतों की इज्जत पामाल ना हुई हो, जिसके बच्चे और बच्चियां जिनसी ज्यादतियों का शिकार ना हुई हो, या चाइल्ड सोल्जर के तौर पर मुतहारिफ ग्रुप्स के हाथों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हुए हो। यह दुनिया की महज़ब तारीख की वो पहली खानाए जंगी थी जिसमें एक दूसरे से लड़ने वाले कबीले लड़ाई के दौरान इंसानों को कत्ल करते और उनका गोश्त खुराक के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। खानाए जंगी दरियाए कांगो के गिर्द बसने वाले उस मुल्क के लोगों का कल्चर था, एक ऐसा कल्चर जो महज़ब दुनिया के महज़ब लोगों ने उन पर थोपा था। खानाए जंगी के ज़रिए आलमी ताकतें कांगो की ज़मीन और मादनी वसाइल पर कब्ज़ा करके वहाँ से अरबों रुपयों की मादनियात अपने मुल्कों में अपने माशरों की तरक्की व फलाह व बहूद के लिए ले जा रही थी और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो अफ्रीका में इंसानियत की तजलील किस किस तरह से कर रहे थे। अगर 45 लाख लोग खानाए जंगी का शिकार हुए थे तो तकरीबन इतनी ही तादाद भूख, बीमारी और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के अदम फरहमी की वजह से लुक्माए अजल बन चुकी थी। और यह सब कुछ उस मुल्क में हो रहा था जो मादनी वसाइल के ज़खायर के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क था, जिसकी ज़मीन कोबाल्ट, प्लेटिनम, यूरेनियम जैसी दुनिया की महंगी तरीन धातुओं से भरी हुई थी। कांगो सिर्फ उन धातुओं से मालामाल नहीं था बल्कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाम डायमंड भी पैदा कर रहा था। दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा बारानी जंगलात रखने का आजाद भी कांगो को ही हासिल था, जो ना सिर्फ अरबों डॉलर्स की कीमती लकड़ी का मालिक था बल्कि उन्हीं जंगलात से दुनिया भर में रबर भी बेच रहा था। और कांगो की उसी ज़मीन पर दुनिया के दूसरे बड़े बारानी जंगलात में तकरीबन 5 लाख के करीब वो खस्ता हाल आबादी रहती थी जो अपनी गुजर बसर शिकार करके करती थी, जिनके अफराद आज भी अपने जिस्म दरख्तों की छालों, पत्तों या जानवरों के खालों से ढांपते थे या फिर वो बरहना रहते थे। 5 लाख की वो आबादी छोटी छोटी टुकड़ियों में फ्रांस से 2 गुना रकबे पर फैले हुए उन बारानी जंगलात में फैली हुई होती थी, इसलिए अददी एतबार से वो कहीं भी उन जंगलात के करीबी आबाद कस्बों में आबाद बाटो कबीले के अफराद पर गालिब नहीं आ सकती थी जो हर लिहाज से उनसे बढ़तर थे। वो कांगो के आइनी और कानूनी शहरी थे जिनके पास बुनियादी हुकूक, बुनियादी ज़रूरियात का सामान और बेहतर ज़िंदगी के वसाइल थे। उन बेमाया पस्तकामत के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास सिर्फ वो जंगल था जिसमें वो रहते थे, आपस में शादियाँ कर लेते थे और डायरिया, मलेरिया जैसी छोटी छोटी बीमारियों का शिकार होकर मर जाते। उनकी ज़िंदगी का दायरा बस यहीं तक था। 2002 में कांगो की कायम मकाम हुकूमत ने कुछ आलमी ताकतों के दबाव में जंगलात से लकड़ी की कटाई का एक नया कानून वज़ा किया और उस कानून के तहत कांगो की हुकूमत के पास ये इख्तियार आ गया कि वो जंगलात में रहने वाले कबीलों और आबादियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी से जंगल का कोई भी हिस्सा किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। वर्ल्ड बैंक और दूसरे बैनुल अक्वामी मालियाती इदारों ने न सिर्फ उस फ्रेमवर्क को सपोर्ट किया बल्कि कांगो की हुकूमत को माली वसाइल फराहम किए ताकि कांगो के जंगलात को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके निशानदेही की जाए, किस जोन में दरख्त काटे जाएंगे और किस हिस्से को सनाती मकासद के लिए जंगली हयात के बका के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और नेशनल पार्क की सूरत में तब्दील करके इंसानी रिहाइश के लिए ममनू करार दे दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने यूएन की खुराक के आलमी इदारे के साथ मिलकर कांगो में उन जंगलात की तबाही के एक अजीमुशान प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया था। सालार सिकंदर जिस वक्त उस प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर कांगो पहुंचा, तब तक इस मंसूबे को 3 साल हो चुके थे। सालार सिकंदर को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो वर्ल्ड बैंक उसे किस तरह इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसे यह अंदाज़ा बहुत जल्द हो गया था इबाका से पहली मुलाकात के बाद। पीटर सिबाका से सालार सिकंदर की पहली मुलाकात बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। उसे कांगो में आए तकरीबन 1 साल होने वाला था जब लामूको नामी जगह को अपनी टीम के साथ विजिट करते हुए पीटर सिबाका तकरीबन 2 दर्जन के करीब पिगमीज यानी पिस्ता कद लोगों के साथ अचानक वहां आ गया था, जहां सालार
और उसकी टीम के लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर उस इलाके का जायज़ा ले रहे थे जिसे कुछ अरसे पहले ही एक यूरोपियन टिम्बर कंपनी को लीज पर दिया गया था। उनके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी मौजूद थी और उन गार्ड्स ने एबाका और उसके ग्रुप के लोगों को यकदम वहाँ नमूदार होते देख कर हवास बाख्तगी के आलम में बेदरीक फायरिंग शुरू कर दी थी। सालार ने दो पिगमीज को ज़ख्मी होकर गिरते देखा और बाकियों के दरख्तों की ओट में छुपते और फिर बुलंद आवाज़ में एबाका को किसी दरख्त की ओट से अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये पुकारते सुना था कि वो हमला करने नहीं आए हैं बल्कि बात करने आए हैं। सालार उस वक्त अपनी गाड़ी की ओट में था और उसी ने सबसे पहले एबाका की पुकार सुनी थी। सालार की टीम के साथ मौजूद गार्ड्स अंधाधुंध फायरिंग करते हुए तब तक टीम के तमाम अफराद को गाड़ियों में पहुंचा चुके थे सिवाय सालार सिकंदर के। उससे पहले कि वो अपने गार्ड्स की रहनुमाई में गाड़ी में सवार होता और फिर उसकी गाड़ी भी वहाँ से तेज़ रफ्तारी से गायब हो जाती, सालार ने गार्ड से वहाँ की मुकामी ज़ुबान कंगाला में कहा था कि वो उसे पुकारने वाले आदमी से बात करना चाहता है, वो फायरिंग बंद कर दे क्योंकि ये एक तरफा है, दूसरी तरफ से ना तो फायरिंग हो रही है ना ही किसी और हथियार का इस्तेमाल। उसके गार्ड्स कुछ देर तक उससे बहस करते रहे और उस बहस को ख़त्म करने का वाहिद हल सालार ने वो निकाला था जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती थी, अगर दूसरा ग्रुप वाकई मुसल्ला होता तो। वो एकदम ज़मीन से उठकर गाड़ी की ओट से बाहर निकल आया था। उसकी सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स उन पिगमीज़ के सामने आने पर इस तरह आवास बाख्ता नहीं हुए थे जितने उसके इस तरह बिल्कुल सामने आ जाने पर हुए थे। फायरिंग अब थम गई थी। उसकी तलखीद में उसकी सिक्योरिटी के अफराद भी बाहर निकल आए थे। वहाँ अब सिर्फ दो गाड़ियाँ थीं। टीम के बाकी सब अफराद वहाँ से अपने अपने गार्ड्स की हिफाजत में निकल चुके थे। फायरिंग के थमते ही एबाका भी बाहर निकल आया था। सालार ने चिल्लाकर अपने गार्ड्स को गोली चलाने से मना किया था। फिर वो 4.5 फुट कद के बेहद सियाह चपटी नाक वाले और मोटी मोटी सियाह आँखों वाले आदमी की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अपने साथियों के बरक्स जीन्स और शर्ट में था। उन नंगे पाँव वाले पस्त कामत लोगों के दरमियान जॉगर्स पहने बेहद अजीब लग रहा था। पीटर्स एबाका, उस पस्त कामत शख्स ने आगे बढ़कर तारुफ करवाते हुए सालार से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे थामने से पहले सालार ने बड़े नपे तुले अंदाज में एबाका का सर से पाँव तक जायज़ा लिया था। वो अभी तक यही समझ रहा था कि वो भी उन मफलूकुल हाल लोगों ही की तरह होगा जो गैर मुल्कियों की गाड़ियाँ सामने आने पर इमदाद के लिए उनके सामने आ जाते थे। माली इमदाद ना सही लेकिन खुश्क खुराक के डिब्बे, दूध, जूसेस भी उनके लिए एक अय्याशी होती। सालार भी इबाका से ऐसे ही किसी डिमांड का इंतज़ार कर रहा था लेकिन जवाबन इबाका की ज़ुबान से अपना नाम सुनकर वो हैरान हो गया था। उसने इबाका से अपना तारुफ नहीं करवाया था फिर भी वो उसे नाम से कैसे जानता था। वो इबाका से ये सवाल किए बगैर नहीं रह सका। उसने जवाबन उसे बताया कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, लोमुका में होने वाले विज़िट के बारे में भी। उसे बैंक के ऑफिस में काम करने वाले किसी मकामी आदमी ने बताया था जिसने एबाका की सर तोड़ कोशिश के बावजूद सालार से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट के हुसूल में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था और ये चंद दिनों या चंद हफ्तों की बात नहीं थी। एबाका वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड से मुलाकात के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहा था। वो सालार के ऑफिस नंबर्स पर हर रोज़ ढेरों कॉल्स करता रहता था। वेबसाइट पर मौजूद उसके ईमेल एड्रेस पर उसने सैकड़ों ईमेल्स की थी जिनका जवाब हर बार सिर्फ मौसूली ही का आया था, उसके बाद आगे कुछ नहीं। फ़ोन कॉल्स रिसीव करने वाले सालार के अमले के अफराद के पास भी एबाका के लिए सिर्फ एक जवाब था, वो मीटिंग में है, आपका पैगाम पहुँचा दिया जाएगा। एबाका की मुलाकात का मकसद जानकर उसे जवाबन बड़े नॉर्मल अंदाज में टाला जाता था। उसकी गुफ्तगू सुनते हुए सालार उसके ज़ुबानों बयान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। उसे अब शुबा नहीं रहा था कि बेल्जियम की कॉलोनी होने की वजह से जिस मुल्क की कौमी ज़ुबान फ्रेंच हो वहाँ उस अमेरिकन लबो लहजे में अंग्रेज़ी में इतनी रवानी से बात करने वाला जंगलात का बासी होने के बावजूद बैरून मुल्क का तालीम याफ्ता होगा, ये नाकाबिल यकीन बात थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ सालार सिकंदर ने सुना था उसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। पीटर सिबाका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ग्रेजुएट था और रिवॉल स्ट्रीट में जीपे मॉर्गन ग्रुप के साथ 5 साल काम करने के बाद कांगो आया था। अपने वॉलेट से निकाले हुए कुछ विजिटिंग कार्ड्स उसने सालार सिकंदर की तरफ बढ़ा दिए थे।
उसने बेहद बेयकीनी से उन्हें पकड़ा। वो फ़कीर पस्त कामत बेमाया शख्स था। कांगू के जंगलात में तीरों नेज़ों और पत्थरों से शिकार करके पेट की भूख मिटाने वाला एक जंगली। वो हार्वर्ड के कैंडी बिजनेस स्कूल कहाँ से पहुँच गया था और फिर जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ मुंसलिक रहना, तो फिर वहाँ क्या कर रहा था? और ये वो सवाल था जिसका जवाब पीटर सबाका ने सालार सिकंदर को उसके ऑफिस में दूसरे दिन अपनी दूसरी मुलाकात में कागजात के एक अंबार के साथ दिया था, जो वो उस मुलाकात में सालार सिकंदर को देने आया था। पीटर सबाका 10 साल की उम्र में लोमुका में एक बच्चे के तौर पर एक मिशनरी से मुतारिफ हुआ था, जो उसे अपने साथ कांगो के जंगलात में वहाँ के लोगों से राबता और कम्युनिकेशन के लिए साथ लेकर फिरता रहा। और फिर उसे उस हद तक उस बच्चे के साथ लगा हो गया कि बीमारी की वजह से कांगू छोड़ने पर वो इबाका को भी अपने साथ अमेरिका ले गया था, जहां उसने उसे पीटर्स का नाम दिया, एक नया मज़हब भी। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि उसने इबाका को तालीम दिलवाई, तालीम के लिए खैरात से फंडिंग दिलवाई। इबाका बेहद ज़हीन था और रेवन जॉनसन ने उसकी ज़हानत को जाँच लिया था। वो इबाका को उसके बाद हर साल कांगू लाता रहा, जहाँ इबाका का ख़ानदान आज भी उसी तरह जी रहा था। 10 साल इबाका ने अगले 25 साल अमेरिका में गुजारे थे, मगर उसके बाद वो अमेरिका छोड़ आया था। वो अपने लोगों के पास रहना चाहता था क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी, और उन्हें उसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वर्ल्ड बैंक के माली तआवुन से होने वाले बहुत से मंसूबों में से एक मंसूबा जंगल के उस हिस्से में शुरू हो गया था जहाँ इबाका का कबीला आबाद था। उसका ख़ानदान और ख़ानदान से भी बढ़कर वो 10,000 लोग जो अब जंगल के उस हिस्से से बेदखल किए जा रहे थे जिसमें वो सदियों से रह रहे थे। जंगल कटने जा रहा था, वो सारी ज़मीन साफ होती, फिर उसके बाद वहाँ उन मादनियात की तलाश शुरू होती जो इस मंसूबे का दूसरा हिस्सा था। और इबाका का मसला उसका अपना ख़ानदान नहीं था, इबाका का मसला वो पूरा जंगलात का हिस्सा था जो अब जगह जगह जोन्स बनाकर काटा जा रहा था और कहीं नेशनल पार्क बनाकर उन लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा था। हम 5 लाख लोग हैं, मगर ये जंगल तो कांगू के 3.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रहा है। वर्ल्ड बैंक टिम्बर इंडस्ट्री को मुआवनत दे रहा है क्योंकि उससे हमारी गुर्बत ख़त्म होगी। जब चंद दहाइयों में जंगल ही गायब होकर यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रीज़ और शोरूम्स में महंगे दामों बिकने वाली लकड़ी की अशिया में तब्दील हो जाएंगे तो कांगू के लोग क्या करेंगे? तुम लोग हमसे वो भी छीनना चाहते हो जो खुदा ने हमें दिया है? अगर कभी हम वेस्ट में उनसे सब कुछ छीनने पहुंच गए तो तुम्हें कैसा लगेगा? इबाका ने अपना केस बहुत तहजीब से पेश किया था, मगर बात के इख्तिताम में उसकी बेचैनी उसके लबो लहजे से झलकने लगी थी। सालार सिकंदर के पास उसके सवालों के रटे रटाए जवाब थे। उस प्रोजेक्ट की तरह कांगो में होने वाले और बहुत से प्रोजेक्ट्स की तफसीलात उसकी उंगलियों पर थी। वो वहाँ वर्ल्ड बैंक का कंट्री हेड था और ये मुमकिन नहीं था कि उन प्रोजेक्ट्स की अहमियत और फ्रायबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में उसे पता ना होता। मगर ऐसा पहली बार हो रहा था कि पीटर्स इबाका के इनकशाफात और सवालात उसे परेशान करने लगे थे। बहुत कुछ ऐसा था जो उसकी नाक के नीचे हो रहा था और उसे पता नहीं था, लेकिन वो उस सब का हिस्सेदार था क्योंकि वो सब कुछ उसके दस्तखत के साथ मंजूर हो रहा था। कांगो में वो पहली बार नहीं आया था, ना ही अफ्रीका और उसके मसाइल उसके लिए नए थे, ना ही वहाँ के वसाइल पर मगरिब की टपकती हुई राल उसके लिए कोई पोशीदा बात थी। लेकिन वो हमेशा से ये समझता रहा था कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और कोई भी फलाही काम करने वाली बैनुल अक्वामी मालियाती तंजीम अपने मफादात को बलाए ताक रख कर किसी मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सकती, और वह उन्हें इतनी छूट देता था। मगर इबाका के एतराज़ात और इनकशाफात ने उसे हुला दिया था। जो कुछ वहाँ हो रहा था वो वर्ल्ड बैंक के अपने चार्टर के ख़िलाफ़ था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था और वर्ल्ड बैंक की दिलचस्पी और मर्जी से हो रहा था। इबाका की दी हुई फाइलों के अंबार वो कई हफ्तों तक पड़ता रहा। कई हफ्तों वो अपने आप से जंग करता रहा था। वर्ल्ड बैंक के अइमा पर वहाँ ऐसी कंपनियों को लकड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अफ्रीका के दूसरे बहुत से ममालिक में उसी हवाले से काबिल एतराज़ रहा था। लकड़ी कट रही थी, जंगल साफ हो रहा था, आबादी बेदखल हो रही थी, और जिन शराइत पर उन कंपनीज़ को वहाँ लाइसेंस दिया गया था वो कंपनीज़ उन शराइत को भी पूरा नहीं कर रही थी। उन्हें लकड़ी के अवज़ उस इलाके के लोगों की माशी हालत सुधारने का फरीज़ा सौंपा गया था, और वो कंपनियाँ करोड़ों डॉलर्स की लकड़ी ले जाने के अवज़
چند عارضی نوعیت کے اسکولز اور ڈسپنسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھی۔ خوراک خشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی، اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشیلز کی نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا، کیونکہ پگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، حکومتی عہدیدار ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے، صرف ایک کام کر سکتے تھے، احتجاج این جی اوز کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے، اور یہ کام بہت مشکل تھا۔ وہ مذہب دنیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی 4 گھنٹے میں ہر بڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن جاتی تھی۔ وہ افریقہ تھا جہاں پر ایسی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبا دی جاتی تھی۔ اگلے 2 ماہ سالار کو اباقا کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں اباقا نے اسے دستاویز دی تھی۔ پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویز اور ان میں پائے جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھی۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک استعفیٰ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا، اور اسے یقین تھا ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہا تھا وہ چلتا ہی رہتا، یا پھر وہ وہاں ہونے والی بے ضابطگیوں پر آواز بلند کرتا۔ بے ضابطگی ایک بہت چھوٹا سا لفظ تھا جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کروا رہا تھا، وہ اخلاقیات اور انسانیت کی دھجے اڑانے کے برابر تھا۔ افریقہ میں اباقا سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات، برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سیاہ فام آبادی کا حال اور استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ، اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی اور حوث دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا، اور اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی خطے اور اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے کوئی پیش گوئی تھی یا کوئی تنبیہ، جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فاموں کے گلے سے ہٹا لیا گیا تھا، 21ویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ میں استعماریت نے وہ طوق ایک بار پھر ڈال دیا تھا، اور انہیں سیاہ فام پست قامت لوگوں میں سے ایک پیٹر سے باقا بھی تھا، جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اسے سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا، صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹر سے باقا سے سیکھا تھا، اور اسی بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ بھی اباقا سے ہی سیکھ رہا تھا۔ زندگی میں اسے تقویٰ کا مطلب بھی اسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا، وہ تقویٰ جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کی فضیلت حاصل تھی رنگ، نسل، ذات پات ہر اس دنیا برتر سمجھا جاتا تھا۔ پیٹر سے باقا کو اللہ کا خوف تھا، لادین سے کیتھلک اور کیتھلک سے پھر لادین ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا تھا، اسے مانتا تھا، اس کی عبادت بھی کرتا تھا اور اس سے مانگتا بھی تھا، لیکن وہ یہ کام کسی گرجے، مندر یا مسجد میں نہیں کرتا تھا۔ کانگو میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہونے کے باوجود وہ انسانیت کا درد رکھتا تھا، ایماندار تھا اور اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ مگر پیٹر سے باقا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خوفی کی وجہ سے چھوڑتا تھا، وہ نفس پرست نہیں تھا، وہ تما زدہ بھی نہیں تھا، اور سالار سکندر بہت بار اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اباقا بلا شبہ غیر معمولی انسان تھا، اور اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی بھی انسان کو کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے 2 ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا دوسرا نہیں؟ سالار سکندر، میں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا، اباقا نے 1 مہینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا۔ سالار مسکرا کر رہ گیا تھا۔ میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے ملتا بھی رہا ہوں، لیکن تم ان سب میں مختلف ہو، مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوش آمد کا سہارا میری مدد کے لیے لے رہے ہو
और तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के बाद आंखें बंद करके तुम्हारी खातिर उस सलेब पर चढ़ जाऊंगा, तो मेरे बारे में तुम्हारा अंदाज़ा वो गलत है। मैं जो भी कदम उठाऊंगा सोच समझ कर उठाऊंगा। इबाका की उस फयाजाना तारीफ़ को खुशामद करार देने के बावजूद सलार जानता था इबाका को उसकी शक्ल में और उस पोजीशन पर वाकई एक मसीहा मिल गया था। मसीहा भी वो जो वर्ल्ड बैंक में काम करने के बावजूद अपना ज़मीर ज़बरदस्ती बेहोश तो कर सकता था लेकिन सुला नहीं सकता था। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, इबाका ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा था। चीज़ मुझ में नहीं पाई जाती, सालार ने तरकी बतरकी कहा, और जिस सूरत हाल में तुम मुझे डाल बैठे हो उसके बाद तो अगले कई सालों में भी उसके पैदा होने का कोई इम्कानात नहीं। मैं बहुत सारे मुसलमानों के साथ पढ़ता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, मगर तुम उन सब से मुख्तलिफ हो। वो अजीब तबसरा था, यह कम अज़ कम सालार को लगा था। मैं किस तरह मुख्तलिफ हूँ, वो पूछे बगैर नहीं रह सका था। तुम एक अच्छे मुसलमान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हो। जिनसे मेरा वास्ता पड़ा वो या अच्छे मुसलमान होते थे या अच्छे इंसान। सालार कुछ देर तक बोल नहीं सका, बोलने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था अफ्रीका के उस बेदीन इंसान ने। अच्छा मुसलमान तुम्हारी नज़र में क्या है, सालार ने बहुत देर खामोश रहने के बाद उससे पूछा था। तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, इबाका का एकदम मोहतात हुआ था। नहीं, मुझे तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग लगी, मगर तुम्हारी ज़ुबान से अदा होने वाला ये पहला जुमला था जिसमें तुम्हारी कम इल्मी झलकी।